मैं हूं अनुराग शाह और फेस्टिव सीजन के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है देश की एक बड़ी कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पिरामल। जैसा कि सब जानते हैं कि लगेज इंडस्ट्री के अंदर जो 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है वो वीआईपी इंडस्ट्रीज का है, और जिस तरह से फेस्टिव सीजन में है डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है लगेज से जुड़ी जो चीज़ें होती है, तो इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दिलीप पिरामल। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि अगर हम पिछला एक साल देखें तो इकोनॉमी के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर GST आई, तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर डिमांड थी उसमें एक गिरावट आई थी। तो अब जिस तरह से पिछले दो महीने के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से जो अगर साउथ के अंदर हम देखें जो फेस्टिवल हुए, फिर दुर्गा पूजा, फिर नवरात्रि, दशहरा, तो इन सब के बाद ओवरऑल कैसा सेंटिमेंट है, किस तरह की डिमांड पैन आउट हो रही है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, और जैसा कि मैंने आपके ही चैनल में एक महीने पहले कहा था कि हमारी कंपनी में तो कोई भी गिरावट नहीं आई है बिक्री में, और हमारा तो एकदम सामान्य तरीके से काम व्यवसाय चल रहा है और हम लोग तो काफी प्रसन्न हैं। यस सर, लेकिन सर जिस तरह से आपके जो लगेज के जो पूरा मार्केट है उसमें आप मार्केट लीडर है, इतनी पूरे अक्रॉस द इंडिया में आपके स्टोर्स हैं, पैन इंडिया आपकी रीच है, तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ पता चलता है कि इन ज्योग्राफीज में डिमांड अभी ज़्यादा है और इन ज्योग्राफीज में डिमांड नहीं है? हमने तो ऐसा कोई विशेष देखा नहीं है। हमारे जो सबसे एक जगह थोड़ा प्रभाव पड़ा है वो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ये अपनी भारतीय सेना का रिटेल आर्म है, लेकिन उनमें देयर हैज बीन सम डिसरप्शन देयर, लेकिन वो उनके इंटरनल पॉलिसीज हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी नियम बदल भी परिवर्तन किया है और थोड़े सेल्स कम कर रहे हैं वो लोग, और वो हर एक कैटेगरी में कर रहे हैं। तो उससे कोई आर्थिक स्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। और दूसरे जो हमारे चैनल हैं सभी एक मतलब अच्छे चल रहे हैं, जैसे जो हाइपर मार्केट्स हैं उसमें 3-4 वर्षों से बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, और वो एकदम जारी है उसी दिशा में, मतलब हाइपर चैनल सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, और जो हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं, जो पुरानी जो दुकानें हैं, उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमी हो रही है, लेकिन हमारे क्या है बहुत एकदम ओल्ड लॉयल डीलर्स हैं, जो कस्टमर है हाँ, वो वीआईपी का ब्रांड, हमारे डीलर्स भी बहुत लॉयल है। यस सर, और हर एक शहर में ऐसे चुने चुने बड़े बड़े डीलर्स हैं, वो एकदम बहुत वफादार है वीआईपी से। जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक की जो सेल्स है काफी अच्छी रही है, लेकिन जो दिवाली के बाद के जो वेडिंग सीजन है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, तो वहां पर जो आप जिस जो आपके सेगमेंट है, जो प्रोडक्ट है, उनकी काफी डिमांड रहती है, तो उसको लेके आपकी किस तरह की तैयारी है? और जो अलग अलग आपकी कैटेगरीज भी आपने बनाई हुई है, एक मीडियम सेगमेंट है, एक प्रीमियम सेगमेंट है, एक इकोनॉमिक सेगमेंट है, तो उसमें और क्या इनोवेशन हमको देखने को मिलेंगे? देखिए, इनोवेशन अगर आप सीरियसली देखें तो इनोवेशन तो इस लगेज इंडस्ट्री में बहुत कम होते हैं, लेकिन नई डिज़ाइंस, नए प्रोडक्ट्स तो एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी और अभी दिवाली की सीज़न है, वेडिंग सीज़न जैसे आपने कहा आएंगे ही, तो नए प्रोडक्ट्स तो ऑल द टाइम आते हैं और हर एक सेगमेंट में आते हैं, यानी इतने ज़्यादा हैं कि ये एक तरह से मतलब वो मेन हमारा बिजनेस है। हाँ, जो अगर प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप बता पाए कि ये ब्रांड है, जैसे हम ये देख रहे हैं स्काई बैग का ये जो आपका ब्रांड है काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो इन पर्टिकुलर सेगमेंट में कहाँ पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, हमारा फोकस हर एक ब्रांड में रहता है, यही तो हमारी कंपनी की विशेषता है कि हमारे 5 ब्रांड हैं लगेज में। कार्लटन सबसे उच्च स्तर पे है, फिर VIP स्काई बैग है, और फिर एरिस्टोक्रेट और अल्फा है, तो ये हर एक अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और हमारे हर सेगमेंट में ही, यानी ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट में ही करेंगे या दो में करेंगे, तीन में करेंगे, हम हमारे 5ों ब्रांड्स में हमारे नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, और हमारा ध्यान सब 5ों सेगमेंट में रहता है, 5ों ब्रांड्स में रहता है। यस सर, और उससे ही तो हमारी कंपनी की ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ है वो इतनी। और ये सर, जो अभी आपने बताया कि कैंटीन स्टोर्स का जो असर है, तो इसका किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे असर पड़ेगा?
कैंटीन स्टोर्स का भी वैसे तो सब पे सारे सेगमेंट पे पड़ेगा, और क्योंकि लेकिन कैंटीन स्टोर में वीआईपी ब्रांड सबसे ज्यादा बिकता है। यस सर, तो वो वीआईपी ब्रांड पे ही जो ज्यादा बिकता है उसी पे असर पड़ेगा। हाँ। और स्काईबैग्स भी बिकता है, थोड़ा कार्टन भी बिकता है, लेकिन वो थोड़ा कम मात्रा में बिकते हैं। जैसा कि अब जो शॉपिंग का जो है लोगों का ट्रेंड भी बदला है, पहले जो स्टोर से ही शॉपिंग होती थी, अब बहुत ऑनलाइन भी लोग बहुत सी चीजें खरीदते हैं। जब अलग अलग जो ई कॉमर्स कंपनियों के सेल आते हैं वहां पर लोगों का काफी रुझान रहा है, तो क्या ये ट्रेंड आपके जो बिजनेस है उस पर भी इम्पेक्ट हुआ है? और आप बता सके कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर कितना परसेंटेज जो आपका है सेल है वो ऑफलाइन है? ऑब्वियसली मेजरली वहां से ही होगा, और कुछ परसेंटेज अब धीरे धीरे ऑफलाइन का भी ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमारा अधिकतर तो ऑफलाइन ही है, लेकिन ये भी सही है कि ऑनलाइन सेल्स अभी बढ़ रहे हैं, और अभी तक तो 10% से कम ही है, लेकिन हमें हमारे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़े दिनों में 10% ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये केवल आपके स्टैंडअलोन है या फिर आपने भी अलग अलग पार्टनर्स के है? नहीं, ये तो जो जितनी भी साइट्स हैं बड़ी बड़ी जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, हाँ, उनके द्वारा भी हम लोग की बिक्री होती है, हमारी खुद की साइट भी है। लेकिन और हमारा प्रयत्न रहता है कि सब जगह सारे ही ओमनी चैनल पूरा कारोबार किया जाए। लेकिन सर, तो जब इन साइट्स के थ्रू आप कारोबार करते हैं तो क्या मार्जिन थोड़े डिप रहते हैं? क्योंकि एक जनरल कस्टमर के मन में फिनोमिना है कि ऑफलाइन स्टोर में आपको चीज जो है वो थोड़ी महंगी मिलेगी और ऑनलाइन में थोड़ी सस्ती मिलेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और ये सब देखिए ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं, ये ऑनलाइन में ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, समस्या रहती है कि फिर वो ट्रेड से उसका इम्पैक्ट होता है। पर हम अभी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, एंड हमें आशा है कि हम अच्छा ऐसा प्लान करें जो कि एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हो जाए। okay. जो कस्टमर्स भी खुश हैं, हमारे ट्रेड का भी इंटरेस्ट हमको देखना पड़ता है, और तो वी हैव सम गुड आइडियाज करेंगे। यस सर, लेकिन सर जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि वीआईपी जो है देश के अंदर जगह जगह पे मौजूद है, मतलब आप एक छोटे से छोटे गांव में भी चले जाए तो वहां पर वीआईपी की दुकान मिल जाएगी, वीआईपी ब्रांड का कस्टमर मिल जाएगा, और बड़े मॉल में भी वो मिल जाएगा। तो अब आगे चल के किस तरह का एक्सपेंशन प्लान होगा, और क्या पर्टिकुलर जो ज्योग्राफी है वो आप देखेंगे कि इन पे और ज्यादा टैप किया जा सके? देखिए, ज्योग्राफी वाइज तो हम लोग हर एक जगह ही हैं, सारे देश के चारों कोनों में हैं, और ये कई बार क्या होता है जो ये मार्केटिंग टर्म में बोलते हैं क्लस्टर्स। मान ले एक बड़ा शहर है, उधर 100 बाजारें हैं, मार्केट्स हैं, 100 लोकेलिटीज हैं बॉम्बे जैसे बड़े शहर में या दिल्ली जैसे शहर में। तो कई बार ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर क्लस्टर में एक एरिया में हमारी प्रेजेंस थोड़ी कम है, या उधर कोई डीलर कई बार हो जाता है कोई दुकान बंद हो गई है, या जो भी लोकल कारण है कई की कोई वीकनेसेस रहती हैं, तो वो सब हम लोग ने मैप आउट करे रहते हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। तो ज्योग्राफी वाइज तो कोई ऐसे हमारे कोई वीक एरियाज नहीं है, पर हमेशा कुछ ना कुछ एरियाज रहती हैं। जैसे अभी हमने नक्की किया है कि इस वर्ष में 40 या 50 हमारी खुद की दुकानें होंगी जो एक्सक्लूसिव वीआईपी प्रोडक्ट्स बेचेंगी, वो बढ़ाएंगे। अभी 500 हैं इस ईयर, 50 एक और बढ़ाने का है, 500 से 550 तक हो जाएगा, और वो अक्रॉस द ज्योग्राफी होगी, वो पर्टिकुलर उसमें, और जहाँ जहाँ मतलब जरूरत है उधर करेंगे ना सर। तो ये एक आपने नई बात बताई है कि वीआईपी के जो आप नए स्टोर्स खोलने जा रहे हैं वो अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर्स भी होंगे, और वो लोकेशन के हिसाब से होंगे। सर, एक चीज जैसे आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि इतने जबरदस्त आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो सर इन एक्सपेंशन प्लान्स के लिए जो पूंजी लगेगी तो वो कहाँ से जुटाई जाएगी, उसके उसका क्या स्वरूप होगा? देखिए, एक तो हमारी इतनी ज्यादा पूंजी लगती नहीं है, एंड वी आर अ वेरी कैश रिच कंपनी, सो दैट इज नेवर अ इशू विद अस। ओके, हमारा कैश जनरेशन भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बल्कि अभी तो सारे हम इक्विटी एनालिस्ट ये हमको कह रहे हैं कि यू हैव टू मच कैश लाइन। तो सर एक बॉल पार्क फिगर बता सके तो आप, क्या चीज का जो रिजर्व है आपके पास? नहीं, अभी हमारे मोर देन 100 करोड़ तो हमारे
सरप्लस कैश रिजर्व्स हैं। अच्छा सर, तो सर ये जो कैश रिजर्व है आपके पास इतना, तो ये क्या जो ओवर द ईयर जो आपने जो ब्रांड्स नए नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करते गए, क्योंकि पहले वीआईपी और एरिस्टोकेट यही ब्रांड था, और जो नए नए ब्रांड्स हैं तो इनके अंदर जो मार्जिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ा है? देखिए ऐसा होता है कि अभी हमारे लगेज में 5 ब्रांड हैं और बहुत मतलब 5 ब्रांड एक ही कंपनी के एक ही देश के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं और इन ब्रांड्स को बनाने में काफ़ी खर्चा होता है। तो 10 साल तक हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम थी। अभी क्या है, हमारे सारे ब्रांड्स फल फूल रहे हैं, तो दे आर ब्लॉसमिंग। ओके, तो अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो रही है और ये सारे ब्रांड्स अपने आप में मतलब प्रॉफिटेबल हैं। नए ब्रांड में थोड़ा समय लगता है, तो जैसे अभी 10 साल से हमने स्काई बैग्स को प्रमोट किया, तो शुरू में तो ज़्यादा खर्चा होता था, यानी सेल कम होता था और थोड़ा मिनिमम खर्चा तो करना ही पड़ता है, लेकिन अभी यानी सेल्स भी बहुत अच्छे हैं तो वो ब्रांड बहुत प्रॉफिटेबल हो गया। जैसे 2-3 साल से हम कार्ल्टन और कैप्रीजी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे थे, तो शुरू शुरू में उनमें थोड़ा नुकसान भी था, अभी दोनों ब्रेक इवन हो गए और थोड़ा मार्जिनल प्रॉफिट भी होने लग गया है, मार्जिनल प्रॉफिट, और अभी आगे जाके और ये सुधरेगी। तो सर रेवेन्यू से उनका मार्जिन का किस तरह का रेशियो रहता है? देखिए शुरुआत में तो 25% का रेवेन्यू का 25% खर्चा होता है एडवर्टाइजिंग में। अच्छा, और वैसे हमारा एवरेज है 6%। अच्छा, तो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है तो वो मार्जिन खर्चे का मार्जिन कम होते जाता है, लेकिन ऐसे एक न्यूनतम अमाउंट तो रहता ही है कि भाई उसके बिना तो मतलब 10-15 करोड़ रुपया नहीं खर्चेंगे तो आप नेशनल कैंपेन नहीं कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग का। तो जिस तरह से आपने कहा कैश रिच कंपनी है आपके, हाँ। बुक्स पे इतना 100 करोड़ से ज्यादा का कैश अभी है, और तो क्या कोई इंटरनेशनल एक्सपेंशन के भी प्लान है, क्योंकि अब भारत के बाहर भी आप सोच रहे हैं कि अगर कंपनी को और बड़ा किया जाए? देखिए वैसे देखें तो लगेज में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं ही नहीं बड़े, तो हम लोग तो अभी यही सोच रहे हैं कि अपने खुद का ही ब्रांड या खुद के ही ब्रांड्स अभी विदेशों में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं और अभी अच्छा मौका है और अभी सब योजनाएं बनाएंगे। यस सर, मतलब इंटरनेशनल एक्सपेंशन के प्लान्स हैं करेंगे अभी, कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी नहीं है इंटरनेशनली? नहीं अभी देखिए, अभी थोड़ा बहुत हमारे जैसे गल्फ एरियाज में हम लोग काफी स्ट्रांग हैं और यूरोप में है, तो पर यूरोप में बहुत थोड़ा सा ही है हमारा सेल, तो अभी उधर जरा और कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जिस तरह से भारत के अंदर आपका जो मार्केट शेयर है वो करीबन 52% से ज्यादा है, और पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करता था फिर कम हुआ, तो वापिस इसको क्या एक टारगेट बनाया हुआ है अगले 5 साल का कि इस मार्केट शेयर तक पहुँचना है लगेज में? देखिए हम लोग पायनियर है लगेज में, तो उस समय तो हमारा 100% शेयर था, तो 100% तो कभी रहने वाला नहीं है, और अभी जो 52% है वो भी बहुत ऊंचा है, एक कोई एक ब्रांड मतलब एक कंपनी के लिए इतना बड़ा मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। यस सर, और इससे और बढ़ाएंगे तो जरा महंगा पड़ता है, यानी द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट इज वेरी हाई, तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस मार्केट शेयर, और ये मेंटेन करें, थोड़ा बहुत बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम कोई विशेष वो एक हमारे अभी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, अभी हमें तो लेकिन मार्केट अच्छी तरह से बढ़ रहा है, भारतीय मार्केट अच्छी तरह से बढ़ रहा है, तो उसमें हमारा यही मार्केट शेयर रहे तो हम लोग काफी प्रसन्न हैं, और अभी फिर और कर सकते हैं तो विदेशों में जाएंगे, तो अभी स्थिति ऐसी लग रही है कि विदेश में भी हमको सफलता मिलेगी। तो जो आपको विस्तार करना है वो भारत से ज्यादा जो फोकस है वो अब्रॉड में ज्यादा फोकस है? नहीं नहीं, दोनों ही, भारत तो है ही, देखिए भारत तो हमारा मूल मार्केट है, तो भारत से तो फोकस कभी हटा ही नहीं सकते। यस सर, और होए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बात करेंगे अगले 3 साल के क्या रेवेन्यू टारगेट्स अगर आपने बनाए हो तो आप बता सके हमें, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी लगे कि अभी हमारी ऐसी आशा है कि 15-20%, अभी जैसे भारत में 15% की वृद्धि होनी चाहिए हर वर्ष, और अभी विदेशों में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार वो हो जाएगा तो फिर वो 20% ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, पर ईयर 20% ग्रोथ का टारगेट है। यस सर, तो ये जो सर जो भी आप एक्सपेंशन करेंगे तो जो कैश रिजर्व है उसके वो इतना काफी है इसके लिए?
या कुछ नहीं, पूंजी? कैश रिजर्व तो बढ़ते जाएगा, मेरी तो ये मेरा अनुमान ये है कि कैश रिजर्व काफी नहीं, मतलब कैश रिजर्व तो और बढ़ेगा, और जितना हम हर साल कमाएंगे उससे ज्यादा तो हम लोग खर्चा करेंगे नहीं, उससे ओके कम ही होगा खर्चा। अच्छा, तो तो उसमें एक चीज और भी हो सकता है सर, जैसे कि आप एक बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं और जीएसटी आने के बाद ऑर्गेनाइज जो प्लेयर हैं उन्हीं को ज्यादा फायदा हुआ है, तो आप मानते हैं कि जीएसटी का भी ओवरऑल इम्पैक्ट जो आपकी कंपनी के लिए तो काफी बेहतर है? हमारी कंपनी देखिए, जीएसटी एज अ कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें 28% में डाल दिया है, 28% की दर में डाल दिया है, तो वो जरा ज़्यादा ही है, उससे हमारा खर्चा कॉस्ट 10% से बढ़ गया है। और अभी हमारे, लेकिन वित्त मंत्री ने ये कहा है कि अभी वो 28% की जो कैटेगरी है उसमें से कई चीज़ों को निकाल देंगे, वापस 18 में डाल देंगे, और मेरी तो पूरी आशा है कि हम उसमें अच्छी तरह से क्वालिफाई करते हैं, जो उन्होंने बताए हैं पॉइंट क्राइटेरिया बताए हैं कि इस जो आइटम्स ऑफ लग्जरी नहीं है या सिन गुड्स जैसे सिगरेट्स और मदिरा वगैरह, उनको रखेंगे 28% में, दूसरी चीज़ों को 18 में डाल देंगे, तो हमें तो काफ़ी आशा है कि हमें भी 18% तो मिले। अभी सर कितना हाँ, इम्पैक्ट हुआ है मार्जिन का ये 28% की? अभी देखिए हमारा 10-11% खर्चा बढ़ गया है और हमने सिर्फ 6% कॉस्ट बढ़ाए हैं, और वैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो हमारे इम्पैक्ट तो डबल है, लेकिन थोड़ी मार्जिन्स तो हमारी 4-5% कम हुई है। 4-5% मार्जिन हाँ कम हाँ हुई है सर। और सर अब हम दिवाली के मौके पर आपसे बात कर रहे हैं, तो जो अगर वीआईपी के अंदर कोई शॉपिंग करने के लिए सोच रहा है तो इस दिवाली के मौके पर उसे किस तरह के ऑफर्स हैं, क्या किस तरह का फायदा हो सकता है? अभी लगेज इंडस्ट्री में एक नई सिस्टम हो गई है, नई प्रथा चल गई है कि डिस्काउंट्स बहुत हो रहे हैं, तो अभी जैसे 50% तक के छूट दी जा रही है, और अलग अलग तरीके के ऑफर्स हैं कि जैसे आप देखेंगे इधर कि एक डफल फ्री, ये मल्टीपल स्कीम्स हैं और अलग अलग ब्रांड पे अलग अलग स्कीम्स हैं और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अलग स्कीम्स रहती हैं, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं रहती हैं, लेकिन हमारे इतने ब्रांड्स हैं, इतने चैनल्स हैं, तो सब जगह चल रहा है, स्कीम और में तो मैं चलती रहती है। तो सर और सब जगह ही चल रहा है, सभी कंपनियां कर रही यस हैं। सर, तो दिवाली के हाँ मौके पे आपको बहुत हाँ बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, हमसे बात ऑल करने के द लिए बहुत बेस्ट, बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट।